नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर आईटीपी जो प्लस टू के बाद बीए बीएड बीकॉम बीएड बीएससी बीएड करना चाहते हैं, वो डेट एक्सटेंड हो चुकी है 15 मई, उसका अलग से वीडियो डाल दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स नोट कर सकते हैं, ये नोट कर लेना चाहिए कि एग्ज़ाम कब है। 12 जून 2024 को वेंसडे को एग्ज़ाम है और आपने डाउनलोड एडमिट कार्ड कर लेने हैं 3 डेज बिफोर, 3 दिन पहले, 12 जून से 3 दिन पहले आपने कर लेने हैं। फीस नोट कर लेनी चाहिए, यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो 1200 रुपये हैं और जो ओबीसी हैं साथ में नॉन क्रीमी लेयर लिखा है, साथ में ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं, जो नेचुरली इकोनॉमिकली जिनके पास इनकम नहीं है उनको भी ये देना पड़ेगा। मेरा भारत महान जो 1000 है उनकी, एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी जो थर्ड जेंडर हैं ये 650, इनसे भी पैसे लिए जाएंगे। नेशनल लेवल के टेस्ट के पैसे, जो फीस थी बहुत कम होती थी, ये फीस जो है अब कम नहीं रह गई ये कहा जा सकता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसका पैटर्न जो है पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। पेपर की तैयारी कैसे करनी है, मैं साथ साथ में कुछ एक जो नॉर्मल है जैसे जनरल टेस्ट है इसमें जनरल नॉलेज का है, ये वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स का अलग से और मेंटल एबिलिटी के भी आ रहे हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल, ये जो टेस्ट हैं इसके वीडियो आ रहे हैं। कॉमन इंडिया लेवल पर हर सब्जेक्ट में से जो ईजी जो क्वेश्चन बनते हैं, साइंस से है, आर्ट से है, पर्टिकुलरली एजुकेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज में, तो वो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड पर रेगुलर सेट हैं, सेट प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 ऐसे आ रहे हैं, उनको देखिए प्रैक्टिस, उसमें स्ट्रेटजी भी बताई गई हैं, वो स्ट्रेटजी हेल्प करेगी आपने राइट आंसर तक कैसे पहुँचना है। इसके अलावा लैंग्वेज के होंगे, वो भी साथ में अपलोड करूँगा। आपने डोमेन कौन सी, 12 जो डोमेन इन्होंने दी गई होगी 10 प्लस 2 के बेस पर आपने जो चूज़ करने हैं सब्जेक्ट, उनकी तैयारी थोड़ी आपको खुद भी करनी होगी, लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स आप जो चूज़ करोगे उसकी एनसीईआरटी की बुक्स अगर पढ़ लो तो वो सफिशेंट होगी। टेस्ट इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है क्योंकि ज़्यादा कॉपी बनती है, आपको अपीयर होना होगा, स्ट्रेटजी लर्न करनी होगी, तो आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है आप पूछ सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअल।